करने जा रहे हैं कटहल या जैकफ्रूट की सब्जी। इसमें आपको करना है सरसों का तेल देना है, गरम हो जाए तो उसमें आपको गरम मसाला देना है। इसमें आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी देना है। इसको थोड़ा कूट लेना। फिर इसमें तेज पत्ता देना है। जब इसे तेल आने लगे तो लहसुन, अदरक और लाल मिर्ची का पेस्ट करके इसको देना है। थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें ऑनियन पेस्ट देना है। इसमें जीरा पेस्ट, जीरा पाउडर देना है 1 चम्मच, छोटा चम्मच को 2 चम्मच जीरा पाउडर देना है और कश्मीरी मिर्च देना है। थोड़ी सी कलर होने के लिए कश्मीरी मिर्च देना है। मिक्स करके फ्राई करना है। दही देना है, दही ज़्यादा देना पड़ता है ग्रेवी बनाने के लिए, अच्छे होते हैं। खट्टा दही है इसलिए थोड़ा सा चीनी भी डाल दीजिएगा, ऐड करिएगा तो स्वाद अच्छा आएगा। रोटी देना है।
नमक स्वाद अनुसार देना है। फिर अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे हो जाए इसका स्मेल जो है अच्छा आएगा। और आप जो लाल मिर्ची यूज़ करोगे तो उसको पहले उसके जो दाने या बीज होते हैं उसको बाहर निकाल लेना है, और फिर उसको विनीगर में 10 मिनट तक डुबो कर रख के फिर पेस्ट करेंगे लहसुन अदरक और उसके साथ, तो उसके जो कलर है बहुत अच्छे खिलते हैं। मैं इसमें आलू को ऐड करती हूँ, ये बॉयल करके रखा हुआ है, थोड़ा बॉयल कर लेंगे तो अच्छे होंगे। आलू को और कटहल या जैकफ्रूट को थोड़ा पहले कुकर में 2 सीटियाँ दे के बॉयल कर लिए हैं, इससे अच्छा होता है। कटहल या जैकफ्रूट है उसको भी इसको कसना है, अब अच्छे से मसाला में मिक्स करना है। अब ये फ्राई हो गया है अच्छे से मसाले के साथ, मसाले के साथ ये कटहल या जैकफ्रूट और आलू मिक्स हो गया है, और ये फ्राई भी हो गया है, मसाला फ्राई भी हो गया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, ये थोड़ा बॉयल होने देते हैं। उसके बाद अब हमारा जो सब्जी है कटहल या जैकफ्रूट का वो रेडी है। अब इसको आप राइस के साथ या रोटी के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you.